नवोदय ग्रंथि प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। आदरणीय सभी को मेरा नमस्कार, जो भी इस वक्त देख रहे हैं। लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासेस के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि मेरा आज का विषय है आठवीं कक्षा भगवान के डाकिए, और इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। भगवान के डाकिए बहुत सुंदर कविता है, मन को मोह लेने वाली और एक बहुत अच्छा प्रकृति और हमारे बीच एक सामंजस्य स्थापित कर रही है। कवि की एक अपनी कल्पना है जिसके माध्यम से वो हम इंसानों और प्रकृति के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ रही है। भगवान के डाकिए, इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों के माध्यम से एक संदेश दिया है, उन्हें भगवान के डाकिए माना है और ये संदेश ले जाने का काम करते हैं, पक्षी और बादल। अब बादल हवा में तैरते हुए पानी की छोटी छोटी बूंदों के सूक्ष्म कण जब भाप बन के धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तो बादल का रूप लेते हैं, और ये बादल घूम घूम कर जगह जगह जाकर पानी बरसाते हैं। और ठीक इसी प्रकार पक्षी भी पंख फैलाकर जहां भी उनका दिल चाहता है उड़ उड़ के जाते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह पर, एक डाली से दूसरी डाली पर, एक गांव से दूसरे गांव में, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, और इस तरह से वो अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, ये बादल और ये पक्षी। भाप बनकर उड़ उड़ कर, और पक्षी जब पंख फैलाते हैं तो यही उनके पंखों में कोई सुगंध तैरती हुई दूसरे देशों तक पहुंचती है। और यहाँ पर भी कहा गया है कि जो ये संदेश हैं हम मानव जाति उन्हें नहीं पढ़ पाती, लेकिन प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ झरने कलकल करती हुई नदियाँ सागर बड़ी आसानी से उन संदेशों को पढ़ते हैं और हम तक उनका संदेश पहुँचाते हैं, हम इंसानों तक। और कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पे जिनके माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ वांछते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, यानी भगवान के माध्यम से जो के माध्यम से हम तक पहुंचता है, हम लोगों तक वो डायरेक्ट नहीं आता है लेकिन उसको लाने वाले हैं प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये उन्हें हम तक उस संदेश को देते हैं। दिनकर जी ने माना है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं, भगवान के डाकिए हैं, जैसा कि शीर्षक ही है भगवान के डाकिए, तो पक्षी और बादल भगवान। क्षमा चाहूंगी, नेटवर्क बहुत ही कमजोर है। कह रही थी कि दिनकर जी ने कहा है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान के द्वारा जो संदेश आता है वो हम तक इनके माध्यम से आता है, पेड़ पौधे नदियां नाले इत्यादि से। ये दोनों ही बादल और पक्षी, इनका दोनों का यही कार्य है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि हम लोग प्रकृति के इन संदेशों को समझ नहीं पाते हैं, इनके जो अलग ही एक तरीका है, अनूठे अलग जो तरीके हैं प्रकृति के संदेश देने के, वो हम इंसान नहीं समझ पाते हैं। चिट्ठियां, उनके द्वारा लाए गए संदेश, बार बार व्यवधान हो रहा है,
लेकिन उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, कल कल करती हुई नदियां, सागर, झरने अपनी अपनी भाषा में हमसे वो संदेश कहते हैं। कवि ने यहाँ पर पक्षियों और बादलों को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णित किया है डाकिये के रूप में। ये बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि पक्षियों की जो भाषा है, बादलों की जो भाषा है, वो बड़ी आसानी से पेड़ पौधे और पानी, झरने, पहाड़ इत्यादि बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्हीं के माध्यम से फिर ये संदेश जो प्रकृति का है, भगवान का है, ये हम तक पहुंचता है। और हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं भगवान के डाकिये के माध्यम से कि कवि ने पक्षियों और बादलों को डाकिये के रूप में वर्णित करते हुए कहा है कि हम लोग तो मात्र यही समझते हैं कि एक देश की हवा, एक देश की धरती की जो वायु है, ये दूसरे देश में जा रही है, धरती की सुगंधित हवा भेजती है ये वायु। लेकिन ये वायु कैसे, किस माध्यम से जाती है, जो पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं उनके पंखों पर तैरती हुई ये वायु एक देश पर, ये वायु उन पक्षियों के माध्यम से जा रही है। और हम इसी तरह से समझते रहते हैं, इसी तरह से एक देश की भाप उठकर गर्मी से, जब समुद्र और नदियां, जब गर्मी होती है तो जो भाप उठती है धीरे धीरे, वो जो भाप है वो बादल बनकर एक देश से दूसरे देश में गिरती है। हम तो यही समझते हैं कि ये एक चक्र है, लेकिन वास्तविकता क्या ये है कि ये प्रकृति का ही एक चक्र है, सारा चक्र, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। पक्षियों और डाकियों के माध्यम से ये हमें, हम तक एक संदेश है हमारी प्रकृति का, हमारे जो भगवान के डाकिये हैं पक्षी और बादल, ये हम तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं जो हम सीधे नहीं समझ पाते हैं। और जो उनकी भाषा समझने वाले हैं, उन पक्षियों की और उन बादलों की, भगवान के हैं पक्षी और बादल, ये पेड़ पौधे, नदियां, नाले, सागर, उनकी भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये हमारे जो संदेश हैं, जो पक्ष भगवान के जो डाकिये हैं, जो संदेश लेके आते हैं भगवान का या प्रकृति का जिसे हम, ये संदेश हम तक इन्हीं के माध्यम से हमारी प्रकृति से होकर गुजरता है। यानी ये एक चक्र है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। कवि की कल्पना बहुत सुंदर यहाँ पर प्रकृति के चक्र को जो दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक जो हमारी प्रक्रिया है उसे यहाँ कवि ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से उसका बहुत सुंदर चक्र, उसका सजीव चित्रण किया गया है। जो प्रकृति का जो हमारा जीवन चक्र है, जो हम विज्ञान पढ़ते हैं वहां, हो सकता है हमें थोड़ा हिंदी में कवि ने जिस तरह से जिन पंक्तियों के माध्यम से इतना सुंदर चित्र हमारी कल्पना से भी बहुत किया है, पंक्तियों के माध्यम से बहुत सरल सरस भाषा का प्रयोग किया है और बहुत अच्छे से बच्चों के लिए एक कविता जो बनाई है रामधारी सिंह दिनकर।